हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पिनल कोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस जो अक्सर कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 प्रिवी काउंसिल का ये केस है, बड़ा ही लैंडमार्क केस है मेरे दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई आपका इसमें पैसा नहीं लगेगा। लाल बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब जहां लिखा हुआ है नीचे, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। अगर मैं इस केस की बात करूं जिसका नाम महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर है, तो यह इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 का बड़ा ही लैंडमार्क केस है। सेक्शन 34 जो है इंडियन पिनल कोड का, वो बात करता है ज्वाइंट लाइबिलिटी की, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण के एक सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, जिसके अनुसार दो या दो से ज़्यादा लोग अगर आपस में एक प्री मीटिंग ऑफ माइंड के साथ कोई ऑफेंस करते हैं, तो सभी के सभी लोग सेम ऑफेंस के लाइबल होंगे जो कमिट किया जाएगा। फिर चाहे किसी की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन क्यों ना हो या चाहे किसी की कम पार्टिसिपेशन क्यों ना हो, सेक्शन 34 ये बोलता है। ध्यान से मेरा ये बात सुन लीजिए सेक्शन 34 के बारे में। 34 क्या बोलता है? मान लो तीन लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग, मान लो तीन लोग हैं, तीन लोग किसी का मर्डर करने जाते हैं। एक व्यक्ति जो है वो सच में मर्डर करता है, चाकू मारता है, पेट में किसी को मारता है, दूसरा उस चाकू को लेकर आता है, बस इतना ही काम करता है, और तीसरा बाहर खड़ा होकर बस ये देखता है कि कहीं पुलिस वाले तो नहीं आ रहे या कोई आ तो नहीं रहा, ताकि मैं अंदर वाले जो मारने गया है, अंदर वाला व्यक्ति, उसको मैं बता सकूँ, उसको मैं अवेयर कर सकूँ। तो इन तीनों की जो लाइबिलिटी होगी वो मर्डर की बनेगी, तीनों मर्डर के लिए लाइबल होंगे। क्यों? क्योंकि बेशक एक चाकू ही लेकर आया था, उसने चाकू मारा नहीं, दूसरा बेशक बस खड़े होकर देख रहा था, उसने चाकू मारा नहीं, चाकू मारने वाला तो एक ही था, लेकिन तीनों सेम ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे, मर्डर के लाइबल होंगे। सेक्शन 34 ये बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, सभी की लाइबिलिटी बनेगी। तो इसी के ऊपर केस बेस करता है हमारा महबूब शाह वर्सेज एम्परर। तो इस केस के फैक्ट्स के साथ सबसे पहले शुरू करते हैं, केस के फैक्ट्स क्या थे। तो मेरे दोस्तों, इस केस में बेसिकली दो ग्रुप्स के नाम आएंगे जो ध्यान से आपने समझना है। पहला ग्रुप है उसमें अलादाद वो पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, ये मर चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है। और दूसरा है हमीदुल्ला, जिसको मारने के लिए गोली चलाई गई थी पर ये बच गया था, इसको गोली चलाई गई थी इसके ऊपर पर ये बच गया था, और गोली अला दाद के ऊपर भी चलाई गई थी, ये मर गया है, ये डिजीज्ड है, ये मरा हुआ है, और हमीदुल्ला जो है वो बचा हुआ इंसान है। दूसरे ग्रुप में कौन कौन है? एक मोहम्मद शाह है, दूसरा उसका लड़का है, मोहम्मद शाह का सन, जिसका नाम है वाली शाह, और तीसरा उसका नेफ्यू तीसरा पर्सन है जिसका नाम है गुलाम शाह, जिसका नेफ्यू है। और चौथा जो पर्सन है वो है महबूब शाह। चौथा पर्सन कौन है? महबूब शाह। तो ये करेक्टर्स हैं। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या था दोस्तों, हुआ क्या था, सुबह का टाइम था, और सुबह के टाइम पर अलादाद और हमीदुल्ला ये दोनों पर्सन सिंधु नदी के किनारे घास काटने गए। सिंधु नदी के किनारे वहाँ पे रीड्स, इनको रीड्स बोल जाता है, RWDS, नदी के किनारे घास लगा होता है, रीड्स लगे होते हैं, उनको काटने के लिए ये अलादाद और हमीदुल्ला वहाँ पे गए। वहीं पर जहाँ पे ये घास काटने गए, वहीं पर मोहम्मद शाह क्या कर रहा था? सुबह सुबह बात कर रहा था, नहा रहा था। मोहम्मद शाह ने जैसे ही अलादाद और हमीदुल्ला को वहाँ पर घास काटते हुए देखा, मोहम्मद शाह ने क्या बोला कि भाई आप लोग मतलब अलादाद और हमीदुल्ला मेरी लैंड में ये जो घास है वो ना काटें,
क्योंकि ये बेसिकली इसी की लैंड में घास काट रहे थे। किसकी लैंड में? मोहम्मद शाह की लैंड में। और मोहम्मद शाह ने क्या बोला कि मेरी लैंड में घास ना काटे, ये जो रीड्स हैं वो मेरी लैंड से ना काटे। ये मान्य नहीं, ये काटते रहे, वो अकेला था, काटते रहे। इन्होंने घास काटा, घास इकट्ठा किया और चले गए। और इन्होंने बोट हायर करी, एक किश्ती हायर करी, किश्ती के ऊपर घास रखकर फिर उन्होंने नदी पार करनी थी। तो किश्ती जो थी उसको चलाने वाला कौन था? गुलाम शाह, जो कि नेफ्यू था मोहम्मद शाह का। गुलाम शाह जो कि नेफ्यू था मोहम्मद शाह का, इसी व्यक्ति से उन्होंने किश्ती हायर करी। और गुलाम शाह को पता था ये रीड्स जो हैं वो मेरे चाचा जो हैं, जो मेरे चाचा हैं उन्हीं की लैंड से लेकर आए हैं। तो गुलाम शाह ने बोला ये सारे के सारे रीड्स यहीं छोड़ो और आपको मैं एक भी रीड्स लेकर जाने नहीं दूंगा। हुआ क्या, जब ऐसा हुआ तो ये माने नहीं, अला दाद और हमीदुल्ला माने नहीं। और अला दाद ने क्या किया, एक बांस की लकड़ी उठाई और इसके नेफ्यू को गुलाम शाह के ऊपर अटैक किया। किसने किया? अला दाद ने। जैसे ही गुलाम शाह के ऊपर अटैक किया गया, ये जोर से चलाया हेल्प 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 के लिए चलाया। और इसकी आवाज़ किसने सुनी? इसकी आवाज़ सुनी बाली शाह ने। भाई बाली शाह कौन है? मोहम्मद शाह का बेटा बाली शाह ने। दोस्तों वीडियो अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रही हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, आपको सारा केस क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है हमारा, जिसका नाम है लो विद ट्विंस। प्लीज़ उस पेज को अभी फॉलो कर लें। उसमें हम कानून के रिगार्डिंग बिल्कुल बेसिक वीडियो बनाते हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अभी लाइक कर दें, प्लीज़ अभी लाइक कर दें। और दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जब नेफ्यू गुलाम शाह ने जोर से चलाया क्राई किया तो इसकी आवाज़ किसने सुनी? वाली शाह ने, मोहम्मद शाह के सन ने, और महबूब शाह ने, वाली शाह के दोस्त ने। ये दोनों वहाँ पर भागते हुए गए जहाँ पर गुलाम शाह के ऊपर अटैक किया था अला दाद ने। इनके पास गन थी, लोडेड गन थी, इन्होंने गन से अटैक किया। अला दाद के ऊपर भी अटैक किया गया, हमीदुल्ला के ऊपर भी अटैक किया गया, अला दाद मर गया। अटैक बेसिकली अला दाद के ऊपर किसने किया था? वाली शाह ने। किसने किया था? वाली शाह ने। वाली शाह ने अटैक किया किसके ऊपर? अला दाद के ऊपर। और हमीदुल्ला के ऊपर किसने अटैक किया? महबूब शाह ने। महबूब शाह ने, महबूब शाह ने किया अटैक हमीदुल्ला के ऊपर। अला दाद के ऊपर अटैक किया वाली शाह ने। हुआ क्या, अला दाद तो मर गया, हमीदुल्ला के ऊपर अटैक किया गया लेकिन वो बच गया, उसको इंजरी आई पर वो मरा नहीं। किसको? हमीदुल्ला को इंजरी आई लेकिन वो मरा नहीं। बाद में हुआ क्या, बाद में इनके ऊपर केस चला। किसके ऊपर? मोहम्मद शाह के ऊपर, उसके सन के ऊपर, उसके नेफ्यू के ऊपर, महबूब शाह। मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो इसका सन था वाली शाह, ये अटैक करने के बाद भाग गया था, ही अब्सकॉन्डेड, इसने अपने आप को छुपा लिया था। तो इसको एक्यूज नहीं बनाया गया क्योंकि ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं था इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। तो हुआ क्या, केस चला मोहम्मद शाह के ऊपर, उसके नेफ्यू के ऊपर, गुलाम शाह के ऊपर और महबूब शाह के ऊपर, अंडर सेक्शन 34 रीड विद अंडर सेक्शन 302 मर्डर रीड विद 34, अर्थात 302 के चार्जेस लगे, मर्डर के चार्जेस लगे और ज्वाइंट लाइबिलिटी सभी की बनाई गई। बेशक गोली मारने वाला तो एक था बाली शाह, अला दाद को जिसने गोली मारी, जिसकी गोली से वो मरा था वो बाली शाह था, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन वो तो भाग गया था। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी अप्लीकेबल किया गया और मोहम्मद शाह, नेफ्यू उसका, महबूब शाह, सभी को एक ही मर्डर के लिए लाइबल कर, मर्डर के लिए बुक कर लिया गया, चार्ज कर लिया गया और इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनके ऊपर केस चल पड़ा। जब कोर्ट में केस गया तो मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करी। आपको पता है जब हम पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट माइनर से इंक्वायरी करती हैं। मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करके क्या किया, जो मोहम्मद शाह था इसको केस से हटा दिया गया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता। मोहम्मद शाह तो ना तो इसने कोई गोली मारी, ना इसने कुछ काम किया, बस ये तो जस्ट वहाँ पे नहा रहा था, इसका कुछ इसमें लिंक नहीं है। मोहम्मद शाह को केस से हटा दिया गया, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ चार्ज हटा दिया गया। अब बचा कौन? एक महबूब शाह बचा और एक गुलाम शाह बचा। इन दोनों के ऊपर केस चला मर्डर का, 302 और साथ में 34 लगाई गई, सेक्शन 34 IPC लगाया गया ज्वाइंट लाइबिलिटी। और जो नीचे का कोर्ट था, जो
सेशन कोर्ट था हमारा जब ये केस चला, क्योंकि आपको पता होगा कि मर्डर केस का जो है केस का ट्रायल सेशन कोर्ट ही करता है, कंग्निजेंस तो मजिस्ट्रेट भी ले सकता है, मजिस्ट्रेट ने कंग्निजेंस लेने से पहले इसको हटा दिया, लेकिन बाद में केस फिर ऊपर कमिट हो जाता है, आपको इस बात का पता होगा, ट्रायल हमेशा सेशन कोर्ट में ही चलता है मर्डर केस का। तो मर्डर केस का जब ट्रायल चला तो नीचे वाले कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने क्या किया, महबूब शाह और गुलाम शाह दोनों को 302 के अंदर फांस 302 के अंदर मर्डर के लिए बुक किया और इसको सजा सुनाई, कन्विक्शन सुनाई मर्डर की 334 लगाकर। इन्होंने किया क्या, इन्होंने ऊपर अपील कर दी हाई कोर्ट में कि भाई जो मेरी कन्विक्शन है वो गलत है, क्योंकि मैंने तो गोली भी नहीं चलाई, हमारा कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने जिस पर्सन के ऊपर अटैक किया वो तो बचा हुआ है हमीदुल्ला, तो ये गलत है। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा, अर्थात जो महबूब शाह थे उनको डेथ, उनको जो 302 के अंदर जो चार्ज उनके ऊपर कन्विक्ट उनको किया गया 302 के अंदर, वो बरकरार रखा, वो हाई कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया। हुआ क्या, उसके बाद महबूब शाह ने केस कर दिया प्रीवी काउंसिल में, तो भी केस का नाम आया महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, उसने प्रीवी काउंसिल में केस कर दिया, और जब प्रीवी काउंसिल के सामने केस गया तो प्रीवी काउंसिल ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि भाई वहाँ पे प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी, प्री मीटिंग ऑफ माइंड चाहिए हमें 34 अप्लाई करने के लिए, महबूब शाह को की जो अपील थी उसको अलाउड कर दिया गया और जो हाई कोर्ट की कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया गया। अर्थात इस केस में फाइनली ये हुआ था फाइनली कि जो महबूब शाह थे उनको अपील करने का अधिकार मिल गया कि वो अपील करें ऊपर और उनके केस के अगेंस्ट सुना जाएगा, और जो हमारे हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसमें महबूब शाह को गिल्टी बनाया गया था, कन्विक्ट किया 302 सेक्शन आईपीसी मर्डर के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो यही सारा केस था मेरे दोस्तों, बड़ा ही लैंडमार्क केस है, इसको ध्यान से आप ध्यान रखें। आई होप आपको आज का केस समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।